आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी और आज की कहानी है चमत्कारी गाय। किसी गांव में माला नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था। माला के पास एक गाय थी। वे उस गाय की देखभाल करती और उसका दूध बेचकर अपना गुजारा करती थी। बाकी समय में माला ईश्वर का ध्यान करती। उसकी ईश्वर में बहुत आस्था थी। वह हर रोज सुबह गाय के गोबर से अपने घर को लीपती और सब काम करने के बाद पहले भगवान को भोग लगाती और फिर खुद भोजन करती। एक दिन माला की गाय बहुत बीमार हो गई। कुछ ही दिनों के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। अब मैं क्या करूंगी और मेरा घर कैसे चलेगा? माला ने अपनी पड़ोसन की गाय के गोबर के उपले बनाकर बेचना शुरू किया। एक दिन उसकी पड़ोसन ने सोचा, ये रोज मेरी गाय का गोबर ले जाती है और उसके उपले बेचकर अपना घर चला रही है, मैं इसे अपनी गाय का गोबर क्यों दूं? माला की पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर देती है। ये देखकर माला परेशान हो जाती है। फिर वह गाय का गोबर मांगने साहूकार के घर जाती है। साहूकार सोचता है, ये बुढ़िया कब से गोबर मांगकर काम चला रही है, क्यों ना मैं इसे अपनी गाय दे दूं? वैसे भी ये कब से बीमार है, पता नहीं और कितने दिन तक जिंदा रहेगी। इस बुढ़िया को कौन सा पता चलने वाला है कि गाय बीमार है या नहीं, उल्टा इस पर तो मेरा एहसान हो जाएगा। ऐसा सोचकर साहूकार माला से कहता है, लो तुम मेरी गाय रख लो, अब तुम्हें रोज रोज गोबर लेने नहीं जाना पड़ेगा। माला खुश हो जाती है और साहूकार का धन्यवाद करती है। माला खुशी खुशी गाय लेकर घर चली जाती है। वे उस गाय को घर के बाहर बांध देती है। माला उस गाय का गोबर इस्तेमाल करके अपने कार्य करती रहती है। क्योंकि वे गाय बीमार होती है तो वे ज्यादा दूध नहीं दे पाती। कुछ दिनों के बाद एक संत उसके द्वार पर आते हैं। माला संत को प्रणाम करती है और कहती है, बाबा मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा होगा। माला के पास थोड़ा ही खाना होता है जो वे खाने वाली होती है। वे सारा खाना संत को दे देती है। बाबा आप खाना खाइए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। माला के जाते ही संत अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि माला ने अपना खाना उन्हें दे दिया है। इतने में माला पानी लेकर आ जाती है। संत माला से कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी हैं। ये जानते हुए भी कि आपके पास खाने को और कुछ भी नहीं है, आपने अपना खाना मुझे दे दिया, अब आपको कभी कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। संत गाय पर हाथ फेरते हुए चले जाते हैं। अगली सुबह माला की गाय सोने का गोबर देती है। माला की पड़ोसन ये देख लेती है और हैरान रह जाती है। वह सोने का गोबर उठा लेती है और उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख देती है। माला को इस बात की भनक तक नहीं लगती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक दिन बहुत तेज आंधी चलती है। माला अपनी गाय को घर के अंदर बांध लेती है। अगली सुबह माला देखती है कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। वो हैरान रह जाती है और सोचती है, ये कैसे हो गया? ये गोबर सोने का कैसे बन गया? कहीं ये बाबा के आशीर्वाद से तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, बाबा को आए हुए तो बहुत दिन हो गए, अचानक से ऐसा कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सोने का गोबर हर रोज मेरी पड़ोसन ले जाती हो? हाँ शायद तभी आजकल वो मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें करती है। माला रोज गाय को घर के अंदर ही बांधने लग जाती है। पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिलता तो वे माला से ईर्ष्या करते हुए सोचती है, क्यों ना मैं उस साहूकार को इस गाय के बारे में बता दूं? अब मुझे तो सोने का गोबर मिलने वाला है नहीं, तो इस बुढ़िया को भी क्यों मिले? पड़ोसन साहूकार के पास जाती है और उसे सोने के गोबर के बारे में बताती है।
साहूकार हैरान रह जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक ये गाय मेरे पास थी तब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब ये गाय सोना कैसे देने लगी? साहूकार माला के पास जाकर पूछता है, बुढ़िया ये गाय सोने का गोबर कैसे दे रही है, जल्दी बताओ आखिर माजरा क्या है? माला साहूकार को सारी बात बताती है। साहूकार को लालच आ जाता है, वे माला से अपनी गाय छीनकर वापस ले जाता है। माला रात भर रोकर भगवान से अपनी गाय वापस पाने के लिए प्रार्थना करती है। अगले दिन जब साहूकार सोकर उठता है तो वह देखता है कि उसका घर गोबर से भरा हुआ है। पूरे घर में गंदगी देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। हे भगवान ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? ये गंदगी कैसे साफ होगी? साहूकार के इतना बोलते ही आकाशवाणी होती है, तूने बुढ़िया से गाय छीन ली थी इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ, ये गाय अब बुढ़िया की है, इसे लौटा दे तभी तेरे घर से गंदगी दूर होगी। साहूकार तुरंत माला को गाय लौटा देता है। साहूकार की गाय लौटाते ही उसके घर से गंदगी दूर हो जाती है। माला गाय वापस पाकर बहुत खुश होती है और ईश्वर का धन्यवाद करती है। तो बच्चों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।